नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब के जिला लुधियाना में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए धमाके का मुख्य आरोपी आतंकी हरप्रीत सिंह को NIA के कुआलालपुर से वापस भारत आते हुए दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर NIA ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। आरोपी हरप्रीत सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट तक जारी है। वहीं इसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है। आतंकी हरप्रीत सिंह ने विशेष रूप से निर्मित IED की डिलीवरी का समन्वय किया, जिसे पाकिस्तान से उसके सहयोगी आतंकियों ने भारत भेजा था। बता दें कि आरोपी हरप्रीत सिंह हैप्पी गांव मेहंदी कला अजनाला अमृतसर का रहने वाला है। लुधियाना की जिला अदालत में हुए बम ब्लास्ट में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED का इस्तेमाल किया गया था। इस धमाके में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हुए थे। ब्लास्ट की जांच के लिए दिल्ली से NSG NIA और नेशनल बम डाटा सेंटर की टीमें मौके पर पहुंची थी। ब्लास्ट के 10 घंटे बाद रात 10:15 पर NSG की टीम मलबे में पड़ी बॉडी को वहां से हटाकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था। ब्लास्ट में घायल लुधियाना के राजकोट गांव की संदीप कौर 31 साल और जमालपुर की शरणजीत कौर 25 साल को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस कॉलोनी निवासी मनीष कुमार 32 साल को CMC लुधियाना में भर्ती कराया गया था। कुलदीप सिंह 50 साल और कृष्ण खन्ना 75 साल का इलाज DMC लुधियाना में करवाया गया था। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ था। इस ब्लास्ट में आतंकी एंगल होने की वजह से केंद्रीय जांच एजेंसी NIA और NSG एक्टिव हो गई थी। दोनों एजेंसियों के अधिकारी चंडीगढ़ और नई दिल्ली से जांच के लिए लुधियाना पहुंचे। दोनों एजेंसियों के अधिकारी पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर जाँच कर रहे हैं। इस जाँच के दौरान पता लगाया जा रहा है कि ब्लास्ट कहीं विदेशी ताकतों की हरकत तो नहीं है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।